बसम्ला मैं हूं गुलजार मुनवर वेलकम करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर मासूमिन के हवाले से मालूमती वीडियोज़ के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम गुफ्तु करेंगे इमाम हसन अस्करी आल्लाम के बारे में अहम मालूमती सवाल पर तो वीडियो इस्टार्ट करते हैं सवाल आप इस्क्रीन पर देख सकते हैं ग्यारहवीं इमाम का नाम क्या है तो हमारे ग्यारहवीं इमाम का नाम हसन है जिनको हम हसन इबन आलियास्करी कहते हैं सवाल नंबर दो ग्यारहवीं इमाम सलाम के लकब क्या हैं लकब कहते हैं जो रया की जानिब से दी जाए किसी खासियत की वजह से किसी खूबी की वजह से तो इमाम सलाम के अलबाब हैं अस्करी ज़की हादी रजा सवाल नंबर तीन इमाम हसन अस्करी सलाम की कुत क्या है कुत कहते हैं जब हम किसी को उसके किसी रिश्तेदार के नाम से मंसूब करें जैसे किसी को अगर हम उसके बेटे के नाम से मंसूब करें जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्ह वसल्लम के बेटे का नाम कासिम होने की वजह से उन्हें अबुल कासिम भी कहते हैं तो इमाम हसन लस्करी सलाम की कुत है अबू मोहम्मद सवाल नंबर चार इमाम हसन अस्करी सलाम के वालद ग्रामी का नाम क्या है तो इमाम हसन अस्करी आलम जो कि हमारे ग्यारहवें इमाम हैं इनके वालद ग्रामी हमारे दसवें इमाम इमाम अलीलाम हैं सवाल नंबर पाँच इमाम हसन अस्करी की वालदा का नाम क्या है यानी इमाम हसन अस्करी की अम्मी का क्या नाम है तो इमाम हसन अस्करी आल की वालदा के नाम के हवाले से मुख्तफ़ रवायतें हैं बा रवायात के मुताबिक सोसन है बास के मुताबिक सलील है और बास के मुताबिक हदीस है और कुछ रिवायतों के मुताबिक मरियम भी इमाम हसन अस्करी अल्लाम की वालदा का नाम है सवाल नंबर छः इमाम हसन अस्करी आई की विलादत की तारीख क्या है यानी उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है तो इसके हवाले से दो मुख्तलिफ़ रवायतें हैं आठ रबीसानी दो सौ बत्तीस हिजरी और चौबीस रबी अव्वल दो सौ बत्तीस हिजरी सवाल नंबर सात इमाम हसन अस्करी अल्लाम की विलादत किस शहर में हुई यानी किस शहर में इमाम हसन अस्करी आलम पैदा हुए तो जवाब है मदीना मुनवर में सवाल नंबर आठ इमाम हसन अस्करी आई सलाम की शहादत किस तारीख़ को हुई तो इमाम हसन अस्करी अल्लाम की शहादत आठ रबी अलवल दो सौ साठ हिजरी को हुई सवाल नंबर नौ इमाम हसन अस्करी अल्लाम की शहादत किस शहर में हुई तो जवाब है जनाब इमाम हसन अस्करी आईमाम की शहादत सामरा में हुई सवाल नंबर दस इमाम हसन अस्करी आलम को किस बादशाह ने कत्ल करवाया तो जवाब अब है अब्बासी बादशाह मोतमद अब्बासी ने इमाम हसन अस्करी अल्लाम को शहीद करवाया सवाल नंबर ग्यारह जब इमाम हसन अस्करी आलम की शहादत हुई उस वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी तो इमाम हसन अस्कराम की शहादत के वक्त उम्र मुबारक अट्ठाईस साल थी नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इमाम हसन के जमाने में कितने तागोती जालिम बादशाहों का दूर आया तो आप ग्राफ में भी देख सकते हैं टोटल तीन तागोती बादशाहों का दूर आया जो कि तीनों अब्बासी थे मैंने उर्दू में भी जो है वो साइट में इनकी डिटेल मेंशन कर दी है जिसमें नंबर वन मोतज़ अब्बासी थे जिनका दौर हुकूमत दो सौ बावन से दो सौ पचपन हजरी तक रहा उसके बाद मोतदी अब्बासी जिनका दौरेकूमत दो सौ पचपन से दो सौ छप्पन हजरी तक रहा उसके बाद आखिर में मोतमद अब्बासी का दौर रहा जो कि टू फिफ़्टी सिक्स से टू सेवनटी नाइन हिजरी तक रहा जिन्होंने इमाम हसन अस्करी अल्लाम को शहीद करवाया तो ये तीन वो ालिम बादशाह थे जिनके दौर में इमाम हसन अस्करी ने अपने इमामत के फ़राइ अंजाम दिए सवाल नंबर तेरह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कौन सी किताब इमाम अस्करी से मंसूब है तो जवाब है तफसीर मंसूब बाय इमाम सलाम सवाल नंबर चौदह इमाम हसन सलाम ने जब अपने वालिद इमाम अली सलाम और वालदा जनाब सोसन के साथ मदीना से सामरा हिजरत की तो वो कितने बरस के थे तो उस वक्त इमाम हसन अस्करी की उम्र मुबारक चार साल थी नंबर पंद्रह इमाम हसन अस्करी सलाम को अस्करी क्यों कहते हैं जवाब बहुत सिंपल सा है क्योंकि सामरा लश्कर का मरकज़ होता था इसलिए उसे अस्कर कहते थे और चूंकि इमाम अली नकी नक़ीम और इमाम हसन अस्करी आसमाम उसी शहर में रहते थे इसलिए उन्हें अस्करी कहते हैं सवाल नंबर सोलह इमाम हसन अस्करी किस साल मनसब इमामत पर फाइज हुए तो जवाब है दो सौ चौवन हिजरी में इमाम हसन अस्करी आसमाम मनसब इमामत पर फाइज हुए नंबर सत्रह इमाम हसन अस्कराम की मदद इमामत कितने साल तक रही तो जवाब है इमाम की मददत इमामत टोटल छः साल तक रही नंबर अट्ठारह जब इमाम आल नकईसम की शहादत हुई यानी इमाम हसन अस्कराम के वालद की, की शहादत हुई उस वक्त इमाम हसन अस्कराम की उमर मुबारक क्या थी तो जवाब है बाईस साल इमाम हसन अस्कराम की उम्र थी सवाल नंबर उन्नीस सामरा के नज़दीक किस इमामजादा की कब्र मुबारक है जो इमाम हसन अस्कराम के भाई और इमाम अली नकी नक़लम के फ़र्जंद हैं तो जवाब है इमामजादा सैयद सवाल नंबर बीस आप देख सकते हैं जाफर कज़ाब का इमाम हसन अस्कराम से क्या रिश्ता था तो जाफर कज़ाब इमाम अली आल नक़लम के फ़र्जंद और इमाम हसन अस्कराम के भाई थे जिन्होंने इमामत का झूठा दावा किया था, 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 था हूँ हमारे ग्यारहवीं इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के हवाले से आपकी मालूम में मज़ीद इजाफा हुआ होगा मज़दीद आप भी कुछ ऐड करना चाहते हैं अपने कमेंट के ज़रिए तो लाजमी कीजिए ताकि दीगर लोगों के मालूम में इजाफा हो आखिर में इल्तमास करूँगा सुरैक पातहा के लिए अपने चचा जुल्फ़ार दादी रुक़ैया नानी हाजरा दादा शमशे व शहदाय मिलत जाफ्रिया के नाम खुदा हाफ